गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, वो है पास्ट टेंस। ओके, और प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट जो आज हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट, वो है पास्ट टेंस। तो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टेल अबाउट द पास्ट टेंस, कि व्हाट इज अ पास्ट टेंस। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज अ पास्ट टेंस? तो पास्ट टेंस एन एक्शन विच इज डन एट अ पास्ट टाइम। एन एक्शन विच इज डन एट द पास्ट टाइम। ओके स्टूडेंट, तो ये पास्ट टाइम, पास्ट टेंस की डेफिनेशन है स्टूडेंट, कि व्हाट इज ए पास्ट टेंस, होता क्या पास्ट टेंस। ओके, तो डेफिनेशन क्या होगी, एन एक्शन विच इज डन एट द पास्ट टाइम। ओके, जो कार्य भूतकाल समय में किया जाता है या होता है, उसे क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी गुड। नेक्स्ट, सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट इनडेफिनेट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट इनडेफिनेट टेंस, ये क्या होता है स्टूडेंट? सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इनडेफिनेट टेंस होता क्या है? इट शोज It shows the action. It shows that the actions, events, or situation or situations which occurred in past we do not get any definite information. इस कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इनडेफिनेट। ओके स्टूडेंट, कि सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है स्टूडेंट, कि इट शोज देयर द एक्शंस, इवेंट्स और सिचुएशन विच ऑकर्ड इन पास्ट वी डू नॉट गेट एनी डेफिनेट इंफॉर्मेशन, कि जो घटनाएं, जो कार्य और जो स्थिति भूतकाल में हुई है और हमें निश्चित सूचना प्राप्त नहीं होती, ठीक है, तो वो कौन सा टेंस होता है? सिंपल पास्ट टेंस होता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। नेक्स्ट, अब सिंपल पास्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, कि सिंपल पास्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में स्टूडेंट, कि अगर थे, था, थी और या फिर आ का साउंड दे, ओके स्टूडेंट, तो इट मींस कि वो सिंपल पास्ट टेंस है। ओके स्टूडेंट, और सिंपल पास्ट टेंस में भी सेंटेंस होते हैं, जैसे कि एफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया, और WH वाले सेंटेंस हो गए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो अब सिंपल पास्ट टेंस में और पास्ट इनडेफिनेट जो कि सेम है, ओके स्टूडेंट, अब इसके अंदर जो सबसे पहला एफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस
सिंपल पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए एफर्मेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टूडेंट कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है. ओके स्टूडेंट, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है सब्जेक्ट के साथ. फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला है स्टूडेंट, एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? इस सेंटेंस में जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं सिंपल पास्ट टेंस के, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है. ओके स्टूडेंट, एग्जांपल्स, मैंने राम ने कल जंगल में एक शेर देखा था. राम ने कल जंगल में एक शेर देखा था. तो इसको स्टूडेंट इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, जो कि सिंपल पास्ट टेंस का एग्जांपल है, कि अगर फाइंड आउट कैसे करेंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस है स्टूडेंट, कि वाक्य के अंत में आ का साउंड, ई का साउंड, या का साउंड, ओके स्टूडेंट, और थे था का यूज किया जाता है. तो अब राम ने कल जंगल में एक शेर देखा था, तो किसने देखा था? राम. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बात करें स्टूडेंट, तो सबसे पहले फॉर्मूले में क्या गिवन है? सब्जेक्ट है. तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? राम. वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, और यहां स्टार्टिंग करेंगे सब्जेक्ट से. ओके स्टूडेंट, और सब्जेक्ट के बाद इस वाक्य को एंड से स्टार्ट करेंगे. सब्जेक्ट लिखने के बाद नेक्स्ट लास्ट से स्टार्ट करेंगे. ओके, तो देखने को क्या कहते हैं? सी. और सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो सा, राम सा. ओके स्टूडेंट, राम सा एक शेर एलोएन, कहां पर? जंगल में, इन द फॉरेस्ट. कब देखा स्टूडेंट? राम सा एलोएन इन द फॉरेस्ट. कब? यस्टरडे, कल. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये जो है स्टूडेंट वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल. नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल्स सिंपल पास्ट टेंस का जो एफर्मेटिव सेंटेंस होगा स्टूडेंट, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल, वह कल जयपुर गया था. वह कल जयपुर गया था. अब देखो स्टूडेंट, वह, ही. ओके स्टूडेंट, अगर गई होती तो सी, अब यहां पर क्या गया था तो ही का यूज करेंगे. ओके, अब नेक्स्ट,
वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट हमारे पास ही और वर्ब कौन सी आएगी, गया, जाने को क्या कहते हैं, गो। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, वेंट। ही वेंट टू जयपुर। कब गया था, वेन डिड ही गो, वह कब गया था, यस्टरडे। ओके स्टूडेंट, वह गया जयपुर कल। ओके स्टूडेंट, वह से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद लास्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, गया मींस ये आइडेंटिफाई हो रही है स्टूडेंट कि ये सिंपल पास्ट टेंस है जिसमें या का साउंड, आ का साउंड, ओके, या ई का साउंड आए तो वो कौन से होंगे, सिंपल पास्ट टेंस के एग्जांपल्स होंगे, सेंटेंस होंगे। इज दैट क्लियर। अब यहां पर वह कल जयपुर गया था तो ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे। नेक्स्ट, सी कुक फूड। सी कुक फूड एट 9 PM। सी कुक फूड एट 9 PM। उसने 9 बजे खाना पकाया था। ओके स्टूडेंट, उसने 9 बजे खाना पकाया था। पकाने को क्या कहते हैं, कुक। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। अब अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज किया जाता है। तो इसमें जो फॉर्मूला बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड यहां पर हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट। ओके, सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है स्टूडेंट वो होती है डिड। इज दैट क्लियर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद यहां पर नोट का यूज किया तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। एग्जाम्पल्स, she did not buy books from the market. She did not buy books from the market. Okay, student. तो यहां पर क्या student? Did क्या है? Helping verb है student. और did के बाद हमने not का use किया तो वो negative sentence बन गया. According to formula बात करें तो next step क्या दिया हुआ है? Verb की first form, तो verb की first form का use किया हमने. फिर उसके बाद object given है यहां पर. Is that clear student? तो इस प्रकार से ये negative sentence बन जाता है.
नेक्स्ट दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड. They did not play football in the ground. तो यहां पर भी did not का यूज हुआ स्टूडेंट, तो इट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है. नेक्स्ट He did not praise her. He did not praise her. यहां पर स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंस है ये, did not का यूज हुआ है, तो इसका मतलब इट मीन्स कि ये नेगेटिव सेंस दे रहा है. ओके स्टूडेंट, दिस सेंटेंस इज गिविंग नेगेटिव सेंस. ओके स्टूडेंट, तो ये दीज सेंटेंसेस आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस. ओके स्टूडेंट, तो इसमें डिड नॉट का यूज हुआ है स्टूडेंट, और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है. ओके स्टूडेंट, यहां पर डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है. अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, और यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा. ओके स्टूडेंट, कौन से में? नेगेटिव सेंटेंस में. नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है स्टूडेंट वो होती है डिड. ओके स्टूडेंट, तो ये नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ. और इसमें स्टूडेंट डिड का यूज चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में हो या फिर प्लूरल फॉर्म में हो, दोनों के साथ ही डिड का यूज किया जाता है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस I also told about this sentence. लास्ट वीडियो. ओके स्टूडेंट, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होता कौन सा है, जिसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से डब्ल्यू एच फैमिली से होती है. ओके स्टूडेंट, अब यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है सिंपल पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है डिड. ओके स्टूडेंट, तो ये इसका जो फॉर्मूला बनेगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का निशान. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है स्टूडेंट. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टेक सम एग्जाम्पल्स. First example, did you go there? Okay student, अब इस sentence की starting helping verb से हुई है और end of the sentence question mark का symbol है, तो it means ये कौन सा sentence हो गया student? Interrogative sentence होता है. Is that clear? Next example, Did she sing songs
इन हर क्लास. डिड सी सिंग सॉन्ग्स इन हर क्लास. ओके स्टूडेंट, तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि इंटरगेटिव सेंटेंस है, स्टार्टिंग होगी हेल्पिंग वर्ब से और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, डिड दे वॉच, डिड दे वॉच did they watch movie yesterday? Did they watch movie yesterday? ये भी interrogative sentence है. Okay student, क्योंकि interrogative sentence की starting student हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यू एच फैमिली से होती है. ओके, और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है. तो ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा है इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले स्टूडेंट हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए. अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड ऑफ द सेंटेंस किस मार्क का सिंबल होता है. इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इंटरोगेटिव तो हमें लर्न है. अब बनाना कौन सा है? एक और एड चीज क्या करनी है इसमें? नेगेटिव एड करनी है. ओके स्टूडेंट, और नेगेटिव के लिए नोट का यूज किया जाता है. तो इट मींस कि सब्जेक्ट का ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बनेगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट. क्योंकि इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्टार्टिंग होगी डिड से और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट का यूज किया जाता है. इंटरोगेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस. फॉर्मूला, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का सिंबल. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अगर इस नोट को हाइड कर दिया जाए स्टूडेंट, या इस नोट को हटा दिया जाए इस फॉर्मूले से, तो ये कौन सा बन गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बन जाता है. और हमें कौन सा बनाना है? इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बनाना है स्टूडेंट. तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बस सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट का यूज करना है. तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बन जाता है. अब एग्जाम्पल्स. Did you note by sweets? Did you note by sweets? Okay, student, starting हेल्पिंग वर्ब से है, सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज हुआ है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर स्वीट्स ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का निशान. नेक्स्ट, डिड सी नोट ड्राइव ए कार, डिड सी नोट ड्राइव ए कार.
did they not listen? Did they not listen to songs? In my room. Did they not listen to songs in my room? Is that clear, student? तो ये कौन सा बन गया? Interrogative और negative sentence बन गया. Interrogative और negative sentence बनाने के लिए did plus subject plus not का use किया जाता है. Is that clear, student? और starting होगी did से, हेल्पिंग वर्ब से, और एंड ऑफ द सेंटेंस किस मार्क का सिंबल भी होगा स्टूडेंट, और सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज किया जाता है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस तक कंप्लीट हुए स्टूडेंट. अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है WH फैमिली से. WH sentences. WH sentences student जिनकी starting WH से होती है. ओके, जैसे what, why, when, where, how, etc. etc. ओके, अब इसका जो formula बनेगा student, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड ऑफ द सेंटेंस किस मार्क का सिंबल. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? टेक सम एग्जांपल्स. Where did you come from? Where did you come from? Okay student, तो starting किससे है? WH से है. और end of the sentence किस remark का symbol भी. Okay student, तो ये कौन सा हो गया? WH family से वाला sentence बन गया. अगर स्टूडेंट WH को यहां से अगर हाइड कर दिया जाए या हटा दिया जाए स्टूडेंट, तो कौन सा बन जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अगर WH फैमिली से WH वर्ड्स को हटा दिया जाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है. ओके स्टूडेंट, इंटरोगेटिव सेंटेंस से पहले अगर WH वर्ड्स का यूज करते हैं तो वो कौन सा बन जाएगा? कौन सा बन जाएगा स्टूडेंट? WH फैमिली वाला सेंटेंस बन जाएगा. ओके स्टूडेंट, टेक केयर, बाय फॉर नाउ.